युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 49वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत श्री गोरक्षनाथ मंदिर में चल रहे श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर काशी से पधारे कथावाचक ने राम वन आगमन, लंका में रावण युद्ध तथा लंका फतेह की कथा सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा, राम का जीवन ज्ञान भक्ति और वैराग्य जीवन की शोभा है। संत परमात्मा के करुणा के अवतार हैं। करुणिक दृश्य का वर्णन सुनाते सुनाते कथावाचक की आशुधारा के साथ संपूर्ण सभागार में श्री राम के वन गमन पर भक्तों की आंखें सजल हो उठती हैं। समापन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 दिनों चली श्री राम कथा से भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र हमने सुना है वही हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री राम के जीवन चरित्र से ही जीवन सुखी होगा। राष्ट्रीय सामाजिक चुनौतियों से जूझने की हमें प्रेरणा मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार ही भारत में श्रेष्ठ राष्ट्रीय सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा के लिए हुआ था। रामकृष्ण शिव भारत की पहचान गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने श्री राम कथा में यजमानगण एवं अन्य सभी भक्त जनों के प्रति आभार ज्ञापित किया एवं शुभ आशीर्वाद दिया। कथा का पूर्ण समापन आरती के साथ हुआ। पंच परम श्रद्धे पूज्य श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज पधार रहे हैं। दो बार आपका नाम सुन लिया। श्री राम जय। और सीता जी ने जब प्रभु के पादार बिंदों से अपनी नजर को हटाया और सीता परम रुचिर मृग देखा। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो प्यार करने के लिए हैं। जितने भी प्राणी बताए गए हैं वो स्नेह करने के लिए बनाए गए हैं। वो हिंसा के लिए नहीं बनाए गए हैं। वो मारने के लिए नहीं बनाए गए हैं। हमने एक दृश्य देखा कि महाराज श्री जब गौशाला में जाते हैं तो गायें भी लंबा उठती हैं। हमने एक दृश्य देखा कि वो आए लोगों को तो इंसान से उनकी कुशल मंगल पूछने की फुर्सत नहीं होती। वो अपने डॉगी से भी कुशल मंगल उसकी पूछते हैं और वो भी स्नेह का अनुभव करता है। किसी भी प्राणी को प्यार करो, उसे मोहब्बत करो, उसे मारो मत। तो ये प्रतिबंब स्वरूप जानकी जी ने राम जी से क्या कहा कि सत्य संग प्रभु बद करते ही आनो चरण कहत में ही। हे सत्य संग सत्य प्रदक्षित रघुनंदन श्री राम जी के समृद्ध को बद करके इसे लादो। और जब ये देखा तो भगवान श्री राम जी सोचते हैं, वैष्णव जंतो तेने कहे जो वीर पराई जाने रे। अब सीता जब तुम्हें स्वर्ण की ही आवश्यकता हो गई है सीते, तो अब थोड़ा सा समय लेकर के क्या करोगी। हम तुम्हें ऐसी जगह भेजने की व्यवस्था कर देते हैं जहाँ का गंदा पानी भी सोने के पनारे में बहता होगा, जहाँ की दीवारें भी सोने की होंगी, और वहां जाकर के देख लेना कि सुख पैसे में है कि सुख धर्म में है। और तब सीता जी कहाँ जाती हैं, लंका के लिए जाती हैं। और इस प्रकार से आप देखते हैं धर्म चला जाता है, इस प्रकार से आप देखते हैं और राम जी के धर्म जो ही जाता है। धर्म आपके जीवन में तब तक है जब तक राम आपके जीवन में तब तक है जब तक धर्म है। क्योंकि भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। और जिस दिन हम धर्म का प्रत्याग कर देंगे उसी दिन राम भी चल देते हैं। लक्ष्मण जी से कहते हैं, सीता केर करो रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। ये संत क्या है आप जानते हो? ये जो संत आपके सामने आते हैं, बड़े बड़े संत सम्मेलनों की एक प्राचीन परंपरा इस पीठ पर क्यों है? ये संत वस्तुतः मनुष्य नहीं होते। जब ईश्वर अपनी सतह से खड़े होकर के संसार में दीन और दुखी प्राणियों को जब देखता है तो परमात्मा की करुणा के आंसू जो धरती पर गिरते हैं वही आंसू परमात्मा के करुणा के आंसू धरती पर गिरते गिरते संत का अवतार बन जाते हैं। ये संत परमात्मा की करुणा के अवतार हैं। हे सीते हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो,
लक्ष्मण, क्या तुमने अपने भैया की आवाज नहीं सुनी? तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ, ये आपको क्या हो गया? अरे भिकुसी भ्रकुटी विलास से सिर की लय हुई, सपनू संकट प्रलय की सोई, जिसके भ्रकुटी टेढ़ा कर देने मात्र से भी प्रकृति में प्रलय मच जाती है। क्या वह परमात्मा कभी संकटापन्न हो सकता है? क्या हो रहा है आपकी? तब सीता जी ने लक्ष्मण जी को भी कठोर वचन कहे, और तब जब उन्हें कठोर शब्द लक्ष्मण जी के लिए कहे तो कहे कुछ वचन कठोरा, और जब उन्होंने लक्ष्मण जी को कठोर वचन कहे कि लगता है तुम्हारी भावना मेरे प्रति अनुकूल नहीं है, तो धर्म भी चला गया, ईश्वर भी चला गया, और एक जो संत उनकी रक्षा कर रहा था, संत ने भी रोते रोते, संत के जीवन में अगर कुछ होता है तो क्या होता है? उसका चरित्र होता है, उसका धर्म होता है। और यह सबसे बड़ा विद्वान मैं, सब कुछ मुझ में, तुम तो केवल जंगल मानव थे, जंगल में रहते हुए भी सबसे बड़ा धनवान मैं, सबसे बड़ा बलवान मैं, सबसे बड़ा विद्वान मैं, सबसे बड़ा शक्तिवान मैं, फिर मैं क्यों हारा और तुम क्यों जीते? तो राम जी ने कहा कि दशग्रीव, इसका उत्तर आप ही दे दीजिए। तो रावण ने कहा, रघुनंदन, ये आपका चक्र दुनिया को ये प्रेरणा देता है कि दुनिया में कोई व्यक्ति मुझमें, मैं धनवान बेशक सबसे बड़ा धनवान था, बलवान था, विद्वान था, बुद्धिमान था, लेकिन हे राम, दो वान मेरे पास नहीं थे। हे राम, तुम चरित्रवान थे और धर्मवान थे। दुनिया में कोई कितना भी ताकतवान हो, बलवान हो, धनवान हो, लेकिन यदि उसके जीवन में चरित्र नहीं है और धर्म नहीं है तो सब कुछ पाकर के वो हारा होता है। और कोई क्वेश्चन? रावण ने कहा, एक मुझे ये बताइए, कौन जीता कौन हारा? तो वानर हंसने लगे। रावण ने कहा, हंसते क्यों हो? राम जी ने कहा, इसका भी उत्तर आप ही दे दो। रावण ने कहा, यदि आप मुझसे पूछते हो रघुनंदन, तो मैं जीत गया और तुम हार गए। तो लोगों ने पूछा कि कुत्ते की पूंछ को 6 माह बिल में रखो तो निकलती है, तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, तुम कैसे जीत गए और राम जी कैसे हार गए? ताकि इसलिए मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैंने जीते जी तुम दोनों भाइयों में से एक भी भाई को लंका में कदम नहीं रखने दिया, और मैंने अपने जीते जी आपके रहते रहते अपने हर एक राक्षस को आपके धाम में, वैकुंठ में पहुंचा दिया। अब डंडे की चोट से मैं भी जा रहा हूं, अगर रोक सकते हो तो रोको। तो आप बताओ कौन जीता कौन हारा? संपूर्ण राम कथा का सार आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में केवल एक लाइन में लिखा है, और वो हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए, और वो यही है कि राम वध वर्तव्यम न रावण वध। हम राम के आचरण को अपने जीवन में उतारें, रावण के चरित्र को जीवन से निकालें। जो काम राम जी करने के लिए आए थे, रावण भी वही करने आया है। इसलिए रावण ने कहा है, कहे सो बहुर रावण अवतारा, रावण अवतार है। राम जी ये सिखाने आए हैं कि हम क्या करें, और रावण ये सिखाने आया है कि हम क्या ना करें। राम जी राजगद्दी पर बैठते हैं, दो पंक्तियां हम गाएंगे। पहले पूज्य महाराज श्री की आज्ञा लेकर के एक सिद्धा में हमने एक गीत लिखा है, अगर आप चलिए। Thank you.
बूढ़ी स्मृति भी इसके साथ जुड़ जाती है। इन दो पूज्य संतों ने हिंदू समाज के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, गोरखपुर के लिए जो कुछ किया है, वह उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इस कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भी उनका आशीर्वाद यहाँ के श्रद्धालुजनों पर बना रहे, इस दृष्टि से कथा को एक माध्यम बना करके प्रतिवर्ष यह भव्य आयोजन यहाँ पर संपन्न होता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस वर्ष भी गोरखपुर के श्रद्धालुजनों ने बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आकर के कथा के लिए इन 3 घंटों के समय को सुरक्षित रख करके अपनी सनातन आस्था का परिचय एक बार पुनः दिया है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति का अपना योगदान है, उसकी अपनी भूमिका है, लेकिन जब भारत की हम बात करते हैं तो भारत आस्था से बना हुआ एक राष्ट्र है, आस्था की एक भूमि है। यहां पर नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, जाति भेष भूषा मत मजहब संप्रदाय अलग अलग है, लेकिन जब भारत की आस्था की बात आती है तो भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इस आस्था को एक आस्था के माध्यम से, एक निष्ठ आस्था के माध्यम से भारत के बारे में सोचता है, अपने राष्ट्र धर्म के बारे में सोचता है, भारत की समृद्धि के बारे में सोचता है। और आस्था का यह भाव ही हम सबको सदैव एक छत्र एकजुट होने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यह पावन चरित्र से श्री राम कथा के माध्यम से हमारे जगत गुरु डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज ने यहाँ पर आप सबके समूह इस साप्ताहिक कथा के माध्यम से कहा। वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन का प्रत्येक पक्ष कैसे हम सबके लिए प्रेरणादायी बन सकता है, यह कथा उसका माध्यम रही है। अनेक रोचक प्रसंगों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से उन्होंने इस कथा को बहुत सरस और सरल बनाकर के आप सबके सामने प्रस्तुत किया। यद्यपि ये बहुत कठिन है कि भगवान श्री राम की गाथा को एक सप्ताह में बता दिया जाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा को कहने के लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए, एक लंबा कालखंड चाहिए, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है और हमारे कथा व्यास के स्वयं की व्यस्तता भी, इन सब के बीच उन्होंने एक सप्ताह का एक कार्यक्रम यहाँ पर हमारे इस गोरखपीठ के आचार्य द्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज जिनकी आज पुण्यतिथि है, और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वेद्यनाथ जी महाराज जिनकी कल पुण्यतिथि है, इन दोनों महापुरुषों पूज्य संतों की स्मृति में जो एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, इस कार्यक्रम में इस कथा के लिए एक सप्ताह का समय गोरखपुर वासियों को यहाँ हमारे जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज ने श्री राम की कथा को अपने श्रीमुख से कहकर के गोरखपुर की जनता के सामने अपना जो समय दान दिया, मैं इसके लिए पूरे आयोजन समिति की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें हृदय से साधुवाद करता हूँ। और एक बहुत ही अच्छी रोचक कथा गोरखपुर वासियों के सामने कहने के लिए उनका उनको हृदय से बधाई देता हूँ। इस संपूर्ण आयोजन में यहाँ पर प्रतिदिन मंच पर आपने दिगंबर अखाड़ा योद्धा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज को देखा होगा,
उन्होंने मंच पर प्रतिदिन आकर के इस कथा के आयोजन को श्री महंत रविंद्रदास जी महाराज, श्री महंत पंचानन पुरी जी महाराज और इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जो हमारे संतगण थे, वे सभी लोग इस पूरे आयोजन में सहयोगी की भूमिका में यहाँ पर सदैव रहते थे। मैं उन सब को भी हृदय से सांत्वना देता हूँ। इस पूरे आयोजन में यजमान की भूमिका के साथ जिन्होंने यहाँ पर प्रतिदिन आकर के कथा का श्रवण भी किया और इस आयोजन को संपन्न करने के लिए अपना योगदान किया है, इसमें यजमानगण में श्री ईश्वर मिश्रा जी हैं, श्री सीताराम जायसवाल जी हैं, श्री जवाहर मसोदन जी हैं, श्री पुष्पदन जैन जी, श्री ओम प्रकाश सालान जी, श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, श्री गंगा राय जी, श्री अरुण कुमार अग्रवाल जी, श्री अब्दुल सलाम जी, श्री विकास सालान जी, श्री संतोष कुमार अग्रवाल जी, दीपेंद्र बहादुर जैन जी, श्री चंद्र वंशल जी, श्री ब्रजेश यादव जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री मारकंडे यादव जी, श्री गोरख सिंह जी, श्री ओम प्रकाश रामचंदानी जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री कृष्ण मोहन जी, श्रीमती उर्मिला सिंह जी, श्री प्रदीप जोशी जी, श्री अजय सिंह, श्री विनोद कुमार राणा, श्री रेवती रमण दास अग्रवाल, श्री महेश पोखरा, श्री अवधेश सिंह और अन्य सभी, उन सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को जिन्होंने पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस आयोजन को सफल संपन्न किया है। यहाँ पर कार्यक्रम का संचालन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी, इस पूरे आयोजन में पृष्ठभूमि में रह करके पूरे आयोजन को सफल संपन्न करने के लिए माणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी, शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, गोरखनाथ मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी, देवीपाटन मंदिर के महंत श्री मिथिलेश नाथ जी, इन सभी लोगों ने यहाँ पर आप सभी के साथ मिलकर के गुरु गोरखनाथ संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत विद्यापीठ के जो आचार्यगण हैं, छात्र हैं, छात्रा छात्र हैं, उन सब ने यहाँ मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन में अपना योगदान किया है। मैं उन सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ। कथा व्यास जी के साथ आए हुए जो सहायक कलाकार हैं जिन्होंने अत्यंत भव्यता के साथ इस आयोजन को और रोचकता प्रदान की, मैं उन सबको भी हृदय से साधुवाद देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से आप सबके उज्ज्वल में भविष्य की कामना करता हूँ। इस कथा का पूर्ण फल आप सबको प्राप्त हो इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं और शांति। माध्यम से सदन को प्राप्त हुआ और अब